दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। लेकिन उससे पहले, क्या आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का मतलब क्या है? अगर नहीं तो आज आप इस वीडियो को देखने के बाद इसके बारे में वो सब कुछ जान जाएंगे जितना एक आम इंसान को पता नहीं होता। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, जिसे एक एक चीज सिखानी ना पड़े, जो खुद ही सीखता जाए, आगे से आगे चीजें खुद ब खुद करता जाए और आवश्यकता के अनुसार वो खुद से हर चीजों को पढ़ लेता हो, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन इतनी जानकारी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को बताने के लिए काफी नहीं है, इसलिए आइए एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले जब आप गूगल पर किसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं तो आपको उस जवाब के अनुरूप ही रिजल्ट्स मिलते हैं। क्या आपको पता है कि ये कैसे होता है? गूगल सर्च इंजन को ऐसे बनाया गया है कि वो खुद ही समझ लेता है कि कौन सी वेबसाइट यूजर चाहता है और कौन सी यूजर की हेल्प करने के लायक है, तो उस वेब पेज का लिंक रिजल्ट में सबसे ऊपर आ जाता है। ये काम गूगल का एल्गोरिथम करता है और इसी तरह आपका दिमाग भी काम करता है। इसी प्रक्रिया के अनुरूप ठीक इसी तरह से एआई और एल्गोरिथम की वजह से ही किसी भी सोशल साइट जैसे यूट्यूब को पता लग जाता है कि यूजर कब और क्या देखता है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही संभव हो पाता है कि स्क्रीन पर वो क्या दिखाए, जिसकी वजह से यूजर हमारे सोशल साइट या एप्लीकेशन को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे। और दोस्तों, ठीक इसी वजह से इंस्टाग्राम या टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन के यूजर एडिक्ट हो जाते हैं। और आपको भी ये वीडियो इसलिए दिख रही है क्योंकि आप यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियोस देखते हैं और लाइक करते हैं, और आपकी कोई भी पोस्ट, वीडियो या फोटो पसंद करने की क्रिया को एल्गोरिदम पढ़ लेता है और आपके इसी पसंद की चीज को वो आप तक पहुंचाता है। और क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अगर आपने किसी को फॉलो कर लिया और फॉलो करने के बाद उसके पोस्ट को इग्नोर किया, तो इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल साइट उसके पोस्ट को सबसे नीचे काफी स्क्रॉल करने के बाद आपको दिखाता है। और इसका उल्टा, किसी इंस्टाग्राम या किसी सोशल साइट पर यदि आप किसी भी पेज के पोस्ट ज्यादा लाइक करते हैं तो वो आपको एप्लीकेशन या साइट खोलने के तुरंत बाद ही सबसे पहले स्क्रीन पर दिखता है। ऐसा ही हर जगह होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गूगल यूजर का ही डेटा कलेक्ट करके खुद से पता लगा लेता है कि कौन सा रिजल्ट हेल्पफुल है, वो सर्च करने वालों को दिखा देता है। ये होता है डेटा की वजह से। कौन सा यूजर कब, कहां और कितनी देर के लिए जाता है, वो गूगल को जितने अच्छे से पता होगा, रिजल्ट्स उतने ही प्योर आएगा। तो फाइनली समझते हैं कि नियम क्या कहता है। तो जितना डेटा उतना अच्छा रिजल्ट। सभी साथियों को नमस्कार। और आज का जो प्रोग्राम होने जा रहा है, इस प्रोग्राम में सभी साथियों को मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। नाम एसके शर्मा, राजस्थान इंडिया से बिलोंग करता हूं। और साथियों, आज जिस रेवोल्यूशनरी जो प्रोग्राम के बारे में आज हम सब यहां पे ऑन बोर्ड हुए हैं, अलग अलग दिमाग में हमारे चल रहा होगा कि क्या ऐसा प्रोग्राम है, और उन सब की शेयरिंग रहेगी अभी। और अलग अलग बैकग्राउंड से लोग यहाँ पे होंगे, किसी ने किसी वास्ता देकर के यहाँ बुलाया होगा, किसी ने अपनी दोस्ती का वास्ता, किसी ने क्या बताने अलग अलग चीजें बताई होगी। लेकिन साथियों, आज वो समय आ चुका है कि आज आप जिस रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट के बारे में आपने, साथियों ने आपको यहाँ पे बुलाया, और आपकी जो सर्चिंग रही होगी वो सारी, आज अलग अलग जो सर्चिंग रहती है आदमी की कि मैं ये प्रोजेक्ट पे मेरा जाकर के आगे मेरा ड्रीम पूरा हो सकता है, या अलग अलग प्रोजेक्ट हम करते हैं। तो साथियों, मैं एश्योर करता हूं कि आज अगर आपने अगले 45 मिनट ऐसी शख्सियत को सुन लिया तो आपके सारे के सारे ड्रीम पूरे होने वाले हैं। ऐसे रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट को आज यहाँ पे आपके सामने जो शेयर करेंगे, ऐसी डायनामिक पर्सनालिटी जो कि जिसको काफी एक्सप्रेस है, और बात करें तो वो एक
आप जानते हैं कि खेत में किसान और सीमा पे जवान, एक ऐसी इंडियन फोर्स जिसे आर्मी बोलते हैं, और उसमें उन्होंने वो जॉब किया और देश को सेवा दी। जॉब बोलना उन ऐसे लोगों के लिए थोड़ा अच्छा शब्द ना होगा, लेकिन इस देश को सेवा देकर के आज हमें यहाँ पे अपनी सेवा देने के लिए वो हमारे साथ हैं। तो ऐसी डायनामिक पर्सनालिटी को मैं आपकी साइलेंट क्लैपिंग के साथ इनवाइट करने जा रहा हूं, मिस्टर उपेंद्र सिंह भदौरिया, वेलकम ऑन स्टेज, ओवर टू यू थैंक सर। यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू संजय सर, आपने बहुत कुछ कह दिया। सर्वप्रथम मेरी आवाज क्लियर है शर्मा यस सर? सर, मेरी क्लियर। आवाज क्लियर ओके है? ओके, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू, थैंक यू। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा मेरे मेंटर, जिनको मैं मानता हूँ, हमेशा से कहता हूँ, मिस्टर अनुराग व्यास जी, और जो भी एलओएस में आते हैं उन सबको मेरा नमन। और मुझे हमेशा इस टाइप की अपॉर्चुनिटी, आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया जाता है, उसके लिए भी उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और नए लोगों के लिए ये है कि मैं अपना परिचय, स्मॉल परिचय सर ने दे दिया है, फिर भी मैं अपना नाम, मेरा नाम उपेंद्र सिंह भदौरिया है और मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप सभी को आज के इस वेबिनार में, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में, सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और वंदन भी करता हूँ। आप सभी से मेरा आग्रह अनुरोध रहेगा कि आज का जो सेशन है, ऑलमोस्ट 40 से 45 मिनट में हम क्लोज करेंगे, और इस बीच में आप लोग अपना पूरा माइंडसेट एक जगह रख करके, जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है वो सब छोड़ करके, और एक पूरे अपने पात्र को खाली करके, जीरो करके बैठे, जिससे कि जो भी बताया जा रहा है, जो भी आपको क्लियर कट समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें और डिटेलिंग में जो चलता है 3 बजे के सेशन में भी हम लेते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का मीटिंग का जो सेशन है, आज का ये वेबिनार होने जा रहा है, जिसके लिए मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसको मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आई होप सो कि आप लोग अच्छे से सुने और हमेशा की तरह है कि डिसिप्लिन में रहें, और हम लोग जब बिल्कुल सीधे होके बैठेंगे तो हमें समझ में आएगा, अगर लेजीपने से बैठते हैं तो हमें एक्चुअली वो चीजें अंडरस्टैंड नहीं होती और कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाता है। तो आज का ये सेशन हम शुरू करना चाह रहे हैं आप लोगों के बीच। स्क्रीन शेयर हो गया? विजिबल सर, विजिबल। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। तो आज आपका दोबारा से मैं आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में आए। फिर से आपसे आशा है कि आप लोग अलर्ट होके बैठे, देखिए क्योंकि अभी तक ये अपॉर्चुनिटी ऐसी कभी देखी नहीं हमने, मुझे भी आया था, बड़ा ताज्जुब हुआ था, और देख करके मुझे इतनी इतनी जल्दीबाजी थी कि मैं कैसे भी उसको, कैसे भी ना कैसे करके मैं उसको पूरा गेन कर पाऊं और उसमें ज्यादा ज्यादा चीजें मैं अक्वायर कर पाऊं। तो मुझे भी उम्मीद है कि आप लोग कैसे भी यहाँ से एक अच्छा नॉलेज और अपनी जानकारी लेकर के जरूर जाएंगे। तो सीधे हम लोग चलते हैं अपनी आज की वेबसाइट के ऊपर। क्या है प्रेजेंटेशन की जो आउटलाइन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इनके बेनिफिट्स क्या है, ठीक है, और इसका क्या फ्यूचर में हम लोग इम्प्लीकेशन हमारे लाइफ में क्या होने वाला है, कुछ इस टाइप से 4-5 बिंदुओं के ऊपर भी हम लोग जो है काम करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम तो गाइज, पहले मैंने एआई को जीवन में देखेंगे। बहुत सारे इंटरव्यूज करे, पर आज एक अनोखा इंटरव्यू हम लोग यहाँ पे करने आए हुए हैं। फॉरएवर मार्क की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और यहाँ पे एक ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनके पीछे पूरा मीडिया पड़ा हुआ है। एक बार अंदर चल के देखते हैं ऐसा कौन आया हुआ है यहाँ। Travel the world to meet people from different cultures. And is this your first time in India? No, I have been to India before. It's a colorful, diverse, and a beautiful country. तो
जैसे हमने आपको कहा था ये एक अनोखा इंटरव्यू होने वाला है. हम लोग सोफिया से मिलने आए हैं और वो अंग्रेजी में बात करती है. सो वी गोना टेक दिस इंटरव्यू इन इंग्लिश. हाय सोफिया, इफ यू कैन टेल मी अबाउट द फॉरएवर मार्क कॉन्फ्रेंस टू बिगिन विद. This has been such an exciting event. I'm particularly impressed at the emphasis I have seen today on gender equality and ethical resource management. It makes me think that humans are becoming more aware of their biases and are trying to account for them. Wow. Okay, tell me, what does it feel like being a robot? Do you think you're better off than us humans? Or are you going to overtake very soon? I love that I have the opportunity to travel all over the world and meet new people. And I don't have to worry about food allergies while traveling. Wait, having unlimited memory is pretty cool too. I think the biggest challenge about being a robot is that it can sometimes be hard to communicate with my limitations. For example, as a robot, I tend to take things very literally and can miss humor or sarcasm that you intend to understand better. It can be confusing for me, but I find humans think this is very funny. So she's smiling. Okay, are you looking to find some new friends? Of course. It can get a little lonely being a humanoid robot, so I am excited for a future in which there are more of us living alongside our human counterparts. I'd love to see a wink from you. Excellent. Okay, and also tell me, what's your take on India? How much of it have you been able to understand till now? It is such a vibrant and historic nation, and everybody is so respectful. I have come here many times, and it has always been an incredible experience. Excellent. So, ये थी सोफिया और ये बहुत ही जल्दी आई थिंक आपको और बहुत जगहों पे देखने को मिलने वाली हैं. सोफिया, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस विद अस. एंड एक क्विक सेल्फी ले लेंगे सोफिया के साथ. तो गाइस, चलिए आप लोगों ने इस वीडियो को देखा. इससे पहले भी एक वीडियो चल रहा था. इस वीडियो को दिखाने का मतलब है कि AI एक्चुअली क्या है और ये कैसे कैसे काम कर रहा है. एप्लीकेशंस का अभी तक हमने देखा है कैसे काम करता है. हमने देखा कि मनुष्य ने अपने ही जैसा एक मनुष्य तैयार कर दिया मशीन के रूप में, जिसको हम ह्यूमनॉइड कहते हैं. और वो पूरा कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग है जो उसके अंदर डाली गई है, और उसके अंदर इमोशन भी ह्यूमन लाइक फीलिंग उसके अंदर है. देखो, आप देख रहे हो वो स्माइल कर रही थी और बात भी कर रही थी. इसका नाम सोफिया है. एक कंट्री ने यूएई ने उसको नागरिकता भी डाली है. तो इस प्रकार से आगे AI का हमारे मनुष्य जीवन में कितना बड़ा योगदान हो चुका है, होने वाला तो अब नहीं कहूंगा क्योंकि हो चुका है. अब हर जगह AI है. जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा कि AI, कई लोग हमारे नए जो मित्र लोग यहाँ पे आज पहली बार आए हैं वो सोच रहे होंगे AI करते रहते हैं लोग, है क्या क्यों. आज हम लोग यही जानेंगे AI क्या है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, तकनीक है. इसके बारे में जानेंगे कहाँ कहाँ अभी इसकी एप्लीकेशन हो रही है. सोफिया को हमने देखा इंटरव्यू देते हुए, ये सुपर टेक्नोलॉजी है जिसको हम कह सकते हैं. ठीक है, तो ये अभी कई क्षेत्रों में हम लोग यूज कर रहे हैं. गेमिंग के क्षेत्र में ले लो, आप फाइनेंस के क्षेत्र में है, डाटा सिक्योरिटी के, सोशल मीडिया में हम लोग यूज कर रहे हैं कि सोशल मीडिया में हम सर्च करते हैं कुछ भी और हमें रिजल्ट के रूप में जो चीजें दिखाई जाती है, जैसे पहले वीडियो में दिखाई दे रहा था, तो वो जो सर्च रिजल्ट में आने वाला है वो AI की टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सब संभव हो पाता है. उसके अंदर एल्गोरिदम डाले जाते हैं. अभी कई मित्रगण हमारे ये सोच रहे होंगे एल्गोरिदम क्या होता है, बार बार ये चीजें आती हैं. दोस्तों, हम लोग भारत में रहते हैं. सही बात है कि हम लोग बहुत ज्यादा एजुकेशन यहाँ पे नहीं है, बट मीडियम एजुकेशन है. तो एल्गोरिदम जस्ट लाइक एक प्रोग्रामिंग है. एक उसके अंदर बना हुआ एक पूरा सेटअप है, प्रोग्राम का कीवर्ड्स का सेटअप है कि दुनिया में लोग क्या क्या सर्च करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या लिखते हैं इंटरनेट पे. तो वो सारा का सारा कमांड के स्ट्रक्चर के रूप में उसको कंप्यूटर में डाला गया, उस प्रोग्राम में डाला गया, जिससे कि वो उसको हम एल्गोरिदम कह सकते हैं आम लैंग्वेज में समझने के लिए. तो ये सोशल मीडिया में इस प्रकार से काम करता है. हमने कई क्षेत्रों में इसको देखा है, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में देखा है. हम लोग एक्चुअली एक एग्जांपल लेते हैं, यूट्यूब पे. यूट्यूब के ऊपर हम लोग कोई सॉन्ग है, हिंदी सॉन्ग हम सर्च करते हैं, कोई भजन सर्च करते हैं, हमें वो दिखाता है. एक जो हमने सर्च किया वो तो आता ही है, नेक्स्ट टाइम से वैसे ही रिकमेंडेशन हमको नीचे दिखने लग जाती है. ऐसे ही हमने कोई भी चीज सर्च करी ई कॉमर्स के सेक्टर में, तो अभी यूज हो रहा, हम आगे देखेंगे कैसे कर रहा है. कोई चीज सर्च करते हैं जैसे नेट के ऊपर, मान लीजिए अमेजन के ऊपर हमने कोई एक शर्ट देखी, या कोई हमने कुछ भी ले लो, मोबाइल देखा कोई एक, तो वो मोबाइल हमने एक बार ही देखा एक जगह पर, लेकिन हमें सोशल मीडिया के जितने जितने वेबसाइट के ऊपर हम जाएंगे, जितने जितने साइट्स के ऊपर जाएंगे, वहां वहां वो चीज हमें देखने लग जाती है. क्योंकि AI जो होता है उसका काम है
करेक्ट जो आप जो उसके अंदर एक्टिविटी कर रहे हैं, ह्यूमंस की जो भी एक्टिविटी सोशल मीडिया पे या फिर इंटरनेट की दुनिया में हो रही है, उस पूरी एक्टिविटी को वो क्या करता है, मैपिंग करके रखता है। आपने कहीं भी हरकत करी, क्या कुछ आपने देखा, और वही चीज वो आपको दिखाने लग जाता है। आप लोगों ने, बहुत से लोग नए होंगे जिन्होंने शायद अभी से पहले चीज को नहीं ध्यान से देखा होगा, सुना होगा, बट आज के बाद आप ये देखना जरूर कि आप कोई चीज क्लिक करना और उसके बाद आप देखना कि आप जब फेसबुक पे जाते हैं तो भी वही चीज आपको देखने लग जाती है, आप कोई दूसरे चैनल पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं तो भी उसी टाइप के आपको एडवर्टाइजमेंट देखने लग जाते हैं। तो यही एआई का काम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो कृत्रिम बुद्धि है, मनुष्य क्या करता है, हमें जो भगवान ने बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, तो हम सोच समझने की शक्ति दी है, उसी हिसाब से इसको विकसित किया गया है, इस टेक्नोलॉजी को बनाया गया है कि ह्यूमन के बिहेवियर को भी वो पकड़ता है, ह्यूमन के बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो आपको एक्शन लेता है। तो यही प्रकार से आप ट्रांसपोर्ट में ले लो, हेल्थ केयर में आप देख लो, रोबोटिक की सर्जरी हो रही है, बहुत सारे फील्ड है, इस पर अगर चर्चा करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम यही जान लेते हैं कि हेल्थ केयर में क्या होता है। हमारे साथ अलग अलग फील्ड के लोग हैं, जैसे शर्मा जी ने बोला, हम लोग, जैसे मेरी फील्ड है, मैं आर्मी से हूँ लेकिन मेरा ऑफिशियल फील्ड रही है, तो इसी प्रकार से बहुत सारे लोग होंगे अलग अलग क्षेत्र से होंगे, इसमें कुछ डॉक्टर भी होंगे, जैसे मेरे साथ में बहुत सारे डॉक्टर हैं। तो वो रोबोटिक सर्जरी हो रही है आजकल, रोबोट से सर्जरी तक कर रहे हैं, ठीक है। और गेमिंग के सेक्टर में तो आपको पता है कितना गेमिंग, कितने के टाइप की गेमिंग एजुकेशन चल रही है, और बहुत टाइप के गेम चल रहे हैं जिनके माध्यम से हम लोग बच्चे आजकल उसमें बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं। तो ये एआई है, उनको उसी हिसाब से बच्चे भी उनके साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो बिहेवियर के हिसाब से बिहेव करता है। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे कि जो एप्लीकेशंस तो इतनी सारी हैं, बट अब हम लोग जिस क्षेत्र में चर्चा करने वाले हैं वो है मार्केटिंग का फील्ड। इसको हम मार्केटिंग फील्ड में एआई को कैसे यूज कर रहे हैं, ये एक वीडियो है जिसको हम और एक बार देखेंगे, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि मार्केटिंग फील्ड में एआई का कैसे रोल हो रहा है। Four years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning? Computer vision and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line. No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. तो हमने यहाँ पे देखा कि एक स्टोर के अंदर कोई मैनुअल ऑपरेशन नहीं है, कोई चेक नहीं कर रहा है, कोई स्टोर का स्टोर में बैठ के बिल नहीं काट रहा है। ये अब समय आ गया, ये स्टोर कोई ऐसा स्टोर नहीं है जिसकी कोई फिल्म बनाई गई है। एक्चुअली ये स्टोर रनिंग में है, और ऐसे स्टोर इंडिया में भी हम देखेंगे बहुत सारे स्टोर। आज का मैं एक वीडियो मेरे किसी मित्र ने भेजा, और उस वीडियो को मैं देख रहा था, दिल्ली के कनॉट प्लेस के अंदर वो बिटकॉइन के रूप में ही, वो बिटकॉइन से ही आप पेमेंट कर सकते हैं या क्रिप्टो से पेमेंट कर सकते हैं, डोजकॉइन वगैरह से। तो वो दिखा रहे थे कि अब ये जो थाली बनाई उन्होंने, प्लेट बनाया, उसी टेक्निकल नाम से बनाया, होटल का नाम दिया, डिशेस के नाम वैसे दिए। तो अब समय टेक्नोलॉजी का आ गया दोस्तों, टेक्नोलॉजी के साथ हमें चलना होगा, टेक्नोलॉजी को समझना होगा। और हम लोग ये सोच के बैठ जाए, अरे हमारा काम नहीं, हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं आता तो हमें करना नहीं है, नो। हमें आज दिन तक जो आज हम कर रहे हैं, क्या उससे पहले वो चीजें हम जानते थे? आज से पहले, बहुत टाइम पहले, आपने जो आपकी एज है उससे भी 50 साल पहले का आप उठा के देखें इतिहास,
तो हमारे पेरेंट्स तो बहुत पीछे थे या उनके पेरेंट्स और भी पीछे थे, तो आज की टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में हम लोग आए ना, तो ये एक्सेप्ट अगर जिसने किया टेक्नोलॉजी को सॉरी आज फीवर थोड़ा सा है और खांसी भी हो रही है, आपको डिस्टर्बेंस होता रहेगा। तो मैं ये कह रहा था कि आज के समय जो टेक्नोलॉजी का समय है, इस समय के साथ हमें चलना होगा। तो पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये प्रेजेंटेशन है जो एआई के विषय में ही है। अभी हमने केवल ये जाना था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, वो एक कैसे काम कर रहा है, कहां कहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं। दोस्तों थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि हमारा माइंड जो ब्रेन बैरियर है वो ऐसे बना रखा है कि नहीं, हमने तो इस टाइप के काम करे नहीं है, ये तो नया टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम है, हम कर नहीं पाएंगे, हमारे से तो होगा नहीं, एआई के बारे में हमें क्या पता, कौन बताएगा, क्या करेंगे, इस टाइप की जो कंफ्यूजन स्टेट है ना वो दिमाग में नहीं रखना। अपने दिमाग की बत्ती को जला लो, बत्ती को जला दो, सेंस कि जो बताया जा रहा है एक्चुअली वो हो रहा है। अभी लोग, अभी आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, थोड़ा क्या हवा चल रही, क्या बयार चल रही, उस पर आपको देखना पड़ेगा। तो अब जो बयार चल रही है वो एआई की है, एआई के बयार देश में चल चुकी है ऑलरेडी, गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काम कर रही है, जिसके ऊपर टेलीविजन के ऊपर भी, नेशनल टेलीविजन के ऊपर भी कई कई बार हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने भी एआई के बारे में बहुत सारी चर्चाएं करी। इसके बाद आप उसकी जानकारी भी ले सकते हैं पीछे, कि आज के समय में गूगल बाबा से कुछ भी छुपा नहीं है, हर चीज वहां से आप पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो नए जमाने का बिजनेस में इसलिए कह रहा हूं कि अब वो समय खत्म हो गया कि आपने प्लान प्रेजेंटेशन करना है किसी को, एक बार ही सामान दिलवा देना है, फिर उसको बोलना बहुत महंगा सामान बिछवाना है और कॉल करना है, तो इस टाइप का काम नहीं हो रह गया। अब काम पूरा टेक्नोलॉजी पे आधारित है, तो टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। आज कहेंगे एआई डॉट मार्केटिंग के बारे में बात हो रही है, तो आज एआई डॉट मार्केटिंग क्या है इसके बारे में जान लो। एआई डॉट मार्केटिंग एक्चुअली एक वैक्सफोर्ड अलायंस लिमिटेड कंपनी है, जिसका एक डोमेन नेम है एआई डॉट मार्केटिंग। एआई डॉट मार्केटिंग, जैसे इसका नाम है, एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मार्केटिंग का मतलब आप देख चुके हैं, पिछले हमने वीडियो में देखा कि मार्केटिंग में कैसे उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, टारगेटेड कस्टमर को लाने के लिए बिल्कुल ह्यूमन फ्री, पूरा ह्यूमन एरर से लेस, उसको ह्यूमन एरर उसमें है ही नहीं बिल्कुल, इस टाइप की टेक्नोलॉजी है। तो एआई मार्केटिंग, मार्केटिंग कंपनी विज्ञापन कंपनी जो कि केवल एडवर्टाइजमेंट करती है कंपनियों का जो, और वहां से टारगेटेड कस्टमर उनको ला करके देती है, जिससे उनका सेल्स निकलता है, और सेल्स निकल जाने के बाद आपको और हमको वहां से जब हम उसके साथ में कनेक्ट होते हैं एज ए बिजनेस पार्टनर, तो हमें 25-35% तक हमें, बल्कि ज्यादा देता है, 25-35% हम लोग औसतन देखते हैं कि इतना रहता ही रहता है जो हम लोग इसके साथ में एक भागीदारी के साथ में काम करते हैं। तो एआई डॉट मार्केटिंग बेसिकली एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, जैसे कि एक कोई इंडिया की कोई कंपनी जिसने कोई प्रोडक्ट बनाया और टेलीविजन पर एक एडवर्टाइजमेंट जो कंपनी है, जो बॉम्बे में जिसका ऑफिस है, जो कि पूरा इकट्ठा एडवर्टाइजमेंट बनाती है, और वो किसी इन्फ्लुएंसर को, अमिताभ बच्चन जैसे को पकड़ती है, नवरत्न तेल का एग्जांपल लेके आप रख सकते हैं, और फिर उनके माध्यम से वो क्या कराती है, प्रोडक्ट को मार्केट कराती है, टेलीविजन के माध्यम से कास्टिंग होती है उसकी। तो ये पुराना ट्रेडिशनल तरीका है, अब लोगों को टेलीविजन देखने का टाइम नहीं, लोग देखते नहीं है। मैं बता रहा हूं, मेरे घर में जो लोग मुझे जानते सुन रहे हैं, टेलीविजन कई टेलीविजन लगे होने के बाद में कोई नहीं देखता है, सब लोग अपने, क्योंकि टेलीविजन में वही दिखता है जो दिखाया जाता है, लेकिन अब बाकी इंटरनेट के माध्यम से आप जो चाहते वो देख सकते हैं, बस इतना ही फर्क है दोनों चीजों में। तो एआई मार्केटिंग में हम बेसिकली क्या है, जो नए लोगों को इतना समझना है कि ये एआई डॉट मार्केटिंग एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, जो पहले अमिताभ बच्चन जैसे लोगों को करके कराती है, अभी अमिताभ बच्चन की जगह एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि टारगेटेड कस्टमर को लाता है। यहाँ पे टारगेटेड ट्रैफिक बोलते हैं, क्योंकि इंटरनेट की भाषा में इसको आम लोग जो समझ सकते हैं कि इसको जिस बंदे को जो चीज चाहिए, मान लीजिए मैंने एक बार गलती से कहीं किसी भी सपोज इंटरनेट पर सर्च कर लिया, या गूगल पे एक बार हमने सर्च कर लिया कि मुझे मोबाइल चाहिए वन प्लस का, है ना, नोट, तो वो चाहिए, वो 9 सीरीज का चाहिए, एक बार ही मैंने सर्च किया, तो मैं जिस भी सोशल साइट पर जाऊंगा वहां एआई को पता चल गया, उसकी जो एल्गोरिथम का मतलब है, उन्होंने सर्च के कीवर्ड्स डाले हुए, उनको पता, एआई को पता चल गया कि इन्होंने एक बार क्या चीज सर्च करी थी, तो जहां जहां मैं ऑनलाइन जाऊंगा वहां वहां उस चीज की वो
एडवर्टाइजमेंट आपको दिखने लगेगी। और हमारा जो एआई क्या करता है, मार्केटिंग ऐसे करता है कि अपने पास जो 23,000 प्लस कंपनीज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, उनमें से जो आपका जो सर्च रिजल्ट है, जो आप चीज मांग रहे हो, जो उन्होंने मांगी है देखी है आपने, उसमें वो वहां से रिजल्ट उठा करके उसकी लिंक आपको फेंक देता है, लिंक आपको मतलब दे देता है। तो जैसे आपको लिंक देता है तो आपको कंपनी की डायरेक्ट लिंक मिल जाती है और आप वहां से सामान, आप या हम कोई भी इनमें से परचेजिंग कर लेता है। जैसे वो परचेजिंग गया, वो कंपनी का जो माल बिक गया उसको चला जाता है, वो जैसे माल बिकेगा तो उनके पास पैसे चला जाता है उसके बारे में, और एआई को आता है पैसा किसका, कमीशन का। जो कमीशन का पैसा आता है, जो उनके साथ टाई अप रहता है, हर कंपनी के साथ में अलग अलग है, प्रोडक्ट के साथ अलग है और सर्विस के साथ अलग है, आगे हम जानेंगे। तो उसी के हिसाब से हमें 55% हमें आ जाता है, जो हमारी हमने लागत जो लगाते हैं इसमें। हम पैसा किस लिए लगाते हैं, क्योंकि जो कंपनियों के प्रोडक्ट हैं, उन कंपनियों के प्रोडक्ट का मार्केट जो किया जाता है, जो टारगेटेड कस्टमर लाते हैं, जो एआई मार्केटिंग करती है, जो हमारे रोबोट के द्वारा किया जाता है, और उसी के माध्यम से ये पैसा हमें जो मिलता है वो हमें मिल जाता है, और जो खर्चे के लिए हम पैसे देते हैं वो हम एआई डॉट मार्केटिंग में रोबोट को देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जानेंगे एआई मार्केटिंग का जो कस्टमर, इसका जो काम मेन है कि आजकल तो मारामारी कस्टमर की है, दुकान वालों के पास कस्टमर नहीं है। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप देख रहे होंगे ई कॉमर्स कंपनियों में भी इतना सारा कंपटीशन हो गया है, इतना सारा कंपटीशन है कि उनके पास में भी अभी कस्टमर के लिए रोना है। तो हर इंसान ये चाहता है कि कस्टमर उनके पास बना रहे, रिटेन बना रहे कैसे, तो क्या करते हैं दुकान या मॉल वाले, यहाँ पे बड़े बड़े मॉल हैं ग्वालियर में, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप 10,000 का 5,000 का सामान लेके जा रहे हो, 3,000 का लेके जा रहे हो, आपको 500 रुपए का वाउचर दे रहे हैं, ठीक है, और उससे जिसे आप दोबारा भी उनके पास सामान लेने चले जाओ। तो इस टाइप की चीजें बहुत सारी चल रही है। तो हमारा जो एआई मार्केटिंग का काम क्या है, एक्चुअली जो हमारे साथ एग्रीगेटर्स हैं, जो कंपनी एसोसिएटेड है, एग्रीगेटर्स का मतलब है जो 23,000 कंपनियां पूरी दुनिया से है, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो वॉलमार्ट हो, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, वो कंपनी जो इसके साथ एसोसिएशन में है, उन कंपनियों के प्रोडक्ट को बिल्कुल टारगेटेड कस्टमर ला करके देना और उनके प्रोडक्ट को सेल कराना। तो वो प्रोडक्ट सेल कैसे करता है, जैसे बंदा ने किसी ने कीवर्ड डाला, सर्च किया, उसने वो उन कंपनियों में से ढूंढा जो उन कस्टमर के लिए सही है और अच्छा ऑफर है, वो उनको दे दिया, तो वो कस्टमर खुश हो जाता है, वो उनको डायरेक्ट कंपनी से सही प्रोडक्ट मिल जाता है और वो उनकी बाय हो जाती है। कंपनी का माल बिक जाता है तो उसको पैसे चले जाते हैं और वहां से एआई को वो पैसे दे देता है, जिससे एआई के पास में जो भी अमाउंट आता है उसका 55% हमें आ जाता है और 45% उनको चला जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन आगे देखेंगे। तो ये टारगेटेड कस्टमर लाता है और एआई मार्केटिंग बेसिकली काम यही है कि इनका सेल्स के ऊपर फोकस है। कई लोग बोल रहे थे आज मेरे साथ में, जो शुरुआती दौर में आए थे लोग, और वो पीछे होकर के आज मेरे को पूछ रहे, मेरा स्क्रीन शेयर गलती से मैंने आज कर दिया परसों, तो बोले सर ये आपका है, मैंने कहा हाँ मेरा नहीं तो किसका है, अरे सर तो इसमें ट्रेडिंग में बहुत पैसा आता है, मैंने कहा इतने दिन से आपने मीटिंग सुनी देखी, तो लोगों को बिल्कुल मंद बुद्धि होकर के बैठ जाते हैं और ये नहीं सोचते ट्रेडिंग की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, यार यहाँ ट्रेडिंग नहीं है, यहाँ कोई ट्रेडिंग नहीं होती है, कोई यहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पे कोई पैसे के आपसे कलेक्शन नहीं करी जाती है, सोशलिज्म कुछ नहीं। कई बार मीटिंग में, अलग अलग टाइप की मीटिंग में ये चीजें बताई जाती है अलग अलग लीडर्स से, यहाँ पर भी सेल ही होती है, लेकिन सेल का नाम सुनने से डरो मत, ये सेल्स आपने नहीं करनी है। जैसे एमएलएम में अभी तक कई लोग एमएलएम इंडस्ट्रीज हैं जो कि परेशान कई सालों से कर रहे हैं अपने आप को और वहां पे कोई सफल नहीं हो पा रहे, लेकिन अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है तो इस एडवांसमेंट को एक्सेप्ट करने के साथ में आगे बढ़े, यहां से हमें बहुत अच्छा एक करियर ऑप्शन भी है और हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स का है, तो कस्टमर को, टारगेटेड कस्टमर को लाना, सेल्स निकलवाना, एआई डॉट मार्केटिंग का काम बेसिकली केवल और केवल उन 23,000 प्लस कंपनियों की मार्केटिंग करना, किस पर, सोशल मीडिया के ऊपर, अपने एल्गोरिदम के हिसाब से टारगेटेड कस्टमर को लाना, ये काम है एआई डॉट मार्केटिंग का। एआई क्या है, पीछे हम देख, एआई एक टेक्नोलॉजी है और ये क्या करती है, एआई डॉट मार्केटिंग डोमेन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मार्केट वाइज Meet Alex. काम करता है? Alex has $100 and he wants to invest it properly. If he puts his money in a bank, he will receive back $105 in a year at the most. However, if he advertises with MarketBot, he can get up to $135 in a month. Looks like Alex wants to know the secret. Everything is very simple.
merchants pay cashback services a commission on sales. Cashback services share the revenue with those who attract new customers. And MarketBot constantly brings in new leads through massive advertising campaigns. Alex funded the MarketBot advertising budget with $100 and then got his share of the sales commission. Now his income is 35% per month, and he gets it each day. Are you interested? Just register with the MarketBot. Fund your advertising budget starting with $10. But wait, you don't even have to spend your own money to start, because MarketBot will give you $50 to fund your first advertising campaign. You'll start getting income in 48 hours, because that's the time needed for an advertisement moderation cycle. Start earning up to $35 per month with AI.marketing. No complications. 24 hours a day. Start now. जैसा कि आपने देखा इस वीडियो के माध्यम से कि जो AI.marketing है उसने क्या किया है, एक मार्केट बोट बनाया है। मार्केट बोट क्योंकि वो मार्केट में यूज करने वाला जो रोबोट है इसलिए उसको मार्केट बोट कहते हैं। तो मार्केट बोट कोई ऐसा फिजिकल फॉर्म में कोई बॉडी नहीं है, जैसे पहले हमने वो सोफिया को देखा। सोफिया एक ह्यूमनॉइड रोबोट है और ये वाला जो है वो एक सिस्टम के अंदर एल्गोरिदम है, ठीक है। तो हम रोबोट कह रहे हैं आम भाषा में, वो मार्केट बोट टेक्निकल लैंग्वेज में दिया हुआ। तो मार्केट बोट कैसे काम करता है, जैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं और इसमें हम आ जाते हैं, तो मार्केट बोट क्या करता है, एल्गोरिदम जो सोशल मीडिया की खोज प्रश्नों के रुझानों की निगरानी करता है। मतलब जैसे हमने सोशल मीडिया पे मैंने बताया, जैसे आप हम कुछ भी चीज उसमें सर्च करते हैं तो उस सर्च को वो पहले से पकड़ लेता है, उसके अंदर ऑलरेडी एल्गोरिदम सेट है, तो वो देख लेता है कि किसने क्या सर्च किया और उसी हिसाब के जो कीवर्ड के पॉपुलर जो कीवर्ड है उन्हीं के हिसाब से वो लोगों को वो रिजल्ट देने शुरू कर देता है। तो इन्होंने क्या किया, इतना अच्छा रिजल्ट, इतना बढ़िया रोबोट बनाया कि पूरी दुनिया में सेल्स की दुनिया में क्या क्या चीजें सर्च करते लोग, क्या क्या ट्रेंड चल रहा है, ग्लोबली ट्रेंड क्या चल रहा है, तो वो पूरे कीवर्ड्स उसके अंदर डाले। तो वो सारे कीवर्ड डाले तो क्या है, वो ऑल टाइम उसको अपग्रेड करते रहते हैं। जैसे सिस्टम कई बार बोलते लोग अभी अपग्रेड चल रहा, तो ये अपग्रेडेशन चलते रहते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन तो यार इंसान का भी होता भाई, क्योंकि ये बच्चा होता है, छोटा होता है, फिर पढ़ता है, धीरे 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 हर एज तक वो उसकी अपग्रेडेशन चलती रहती है। तो ये सिस्टम है, इसको समझ के लेना है और ये अपग्रेडेशन चलता रहता है। तो ये मार्केट बोर्ड का जो काम है वो जो मॉनिटरिंग करना है ट्रेंड्स को, सोशल मीडिया और जो सर्च क्यूरीज रहती हैं उनका, फ्यूचर प्रोडक्शन और डिमांड एनालिसिस क्या करना, कीबोर्ड पॉपुलरिटी की रहती है उनके हिसाब से उनको रिजल्ट प्रोड्यूस करना। तो ये हमने जैसे इसके अंदर अपना बजट डालते हैं मार्केट बोर्ड को, कि जो मार्केट बोर्ड में जो भी हम पैसा डालते हैं अपना, मान लीजिए हमने $10 डाल दिया, तो $10 के हिसाब से 25-35% तक जो मिनिमम जो देता है यहाँ पे 25-35% आपको मार्केट बोर्ड निकाल के देता है, कमा के देता है मतलब। और ये तो मिनिमम है, बाकी ये ज्यादा कितना भी जाता है आप लोग सब जानते, जो लोग इसमें पुराने हैं, कि 50% 60% 70% 80% 100% तक, इवन आउट ऑफ 100% भी यहाँ से आपको रिटर्न आता है, ठीक है। अब रिटर्न का नाम ले रहा हूं तो ये मत समझ लेना ये कोई ROI है, ROI नहीं है, सेल्स के माध्यम से सारा कुछ होता है। आगे जानेंगे हम लोग कैसे होता है। तो हमने देखा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक टेक्नोलॉजी है। AI.marketing और वैक्सफोर्ड आइलैंड्स कंपनी का एक डोमेन नेम है AI.marketing, जिसका काम है सोशल मीडिया इंटरनेट मार्केटिंग के ऊपर, इंटरनेट की दुनिया के ऊपर 23,000 प्लस कंपनी इसके साथ एसोसिएटेड है, उनका क्या करना, प्रचार प्रसार करना, जिससे लोग वहां से खरीदी करते हैं और उनको जो पैसा आता है उसका 55% हिस्सा हमें मिल जाता है। ये है AI.marketing। तो उन्होंने किसके माध्यम से करता है AI.marketing, उसने एक मार्केट बोर्ड बनाया है। वो मार्केट बोर्ड क्या करता है, सोशल मीडिया के ऊपर जो भी हम लोग चीजें करते हैं, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, उसको वो एनालाइज करता है और अकॉर्डिंग टू दैट वो आगे काम करता है, प्रोसेस करता है चीजों को, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गई चीजें। नेक्स्ट, तो ये सोशल मीडिया पर कौन कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करता है, कौन, मार्केट बोर्ड, एक तो वो गूगल को इस्तेमाल करता है, याहू को करता है, बिंग को करता है और यंडेक्स है इसका, ये प्लेटफॉर्म है। इन प्लेटफॉर्मों का सहारा लेकर के सभी सोशल मीडिया के ऊपर और इनके एल्गोरिदम के साथ लेकर के वो काम करता है अपना मार्केट बोर्ड। जो काम करता है इसमें मिनिमम जो फंडिंग है हम लोग $10 से कर सकते हैं, ये हम पैसे डालते हैं इसमें, तो जैसे हम पैसे डालते हैं तो ये एनालाइज करता है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता है, जो भी अमाउंट हम डालते हैं अमाउंट के हिसाब से
जो भी हम मार्केट बोर्ड को अमाउंट देते हैं, $10 दिया, 50, 100, 500 जो भी डाला हमने, उसी हिसाब से इसके अंदर जो डेटा साइंटिस्ट हैं, जो उसको पीछे हैंडल कर रहे हैं, जो डीलिंग हैंड्स हैं, उनको क्या करते हैं, AI डॉट मार्केटिंग के डीलिंग हैंड्स हैं, वो क्या करते हैं, रोबोट को उसी हिसाब से उसको सेटिंग करते हैं उसकी, और वो अलग अलग एरियाज में रीजन वाइज उनको मार्केटिंग करने के लिए वो रोबोट को रेडी कर देते हैं। तो ये 24 से 48 घंटे के अंदर जनरली रोबोट जो स्टार्ट हो जाता है, अपनी फंक्शन चालू कर देता है और वो आपके लिए अर्निंग लाना शुरू कर देता है। जो मैंने बोला 23,000 प्लस कंपनीज थी जिनके प्रोडक्ट सेल होते हैं, उन सेल से जो भी सेल प्रोसीड निकलता है, जो AI के साथ टाई अप रहता है, उसका 55% हिस्सा, मतलब 55% हिस्सा गारंटेड हमारा होता है एज ए बिजनेस पार्टनर। हम लोग इसके साथ एसोसिएट होते हैं AI के साथ बिजनेस पार्टनर के तौर पर, ठीक है। चार एंटिटी काम करती है, आगे हम जानेंगे इसको कैसे करती है, कौन कौन होता है। तो AI डॉट मार्केटिंग, सबसे पहले AI डॉट मार्केटिंग जो कंपनी, उसके AI डॉट मार्केटिंग बनाया, मार्केट बोर्ड जिसको हम रोबोट भी कहते हैं, मार्केट बोर्ड कैसे काम करता है, वो पूरा एल्गोरिदम के ऊपर काम करता है और मार्केट के ट्रेंड को, बिहेवियर को पकड़ती है वो चीज, और सपोर्ट Yandex, गूगल, बिंग, याहू, इन प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए वो काम करता है। नेक्स्ट देखेंगे पैसे कहाँ से आता है। पैसे का क्या होता है, जब हम कोई सेलर्स का प्रोडक्ट, हमारा जो मार्केट बोर्ड है, जो मार्केट बोर्ड जो सर्च रिजल्ट के अकॉर्डिंग, जैसे सपोज किसी ने पाकिस्तान में एक शूज सर्च किए और वो शूज के हमारे AI को पता चल गया, उसने क्या किया, उनको जो अच्छे अच्छे शूज है दुनिया भर के, वो सारी या उनके कंट्री में चल रहा है, उनके रीजन में चल रहा है, वो उनको वो प्रोड्यूस कर देता है, बेहतर जो रिजल्ट उनके लिए अच्छा रहता है, कंपेटेबल होता है उनके अकॉर्डिंग, उनको देता है, फिर वो वहां से परचेज कर लेता है। वो जो परचेज करता है तो जिसका सामान, जिस कंपनी का बिका, एग्रीगेटर का बिका, उनको पैसा जाता है और उनको प्रोडक्ट चलाया जाता है, और जो पैसा गया उसमें से जो AI के साथ टाई अप रहता है कि भाई 1% से लेकर के 15% प्रोडक्ट बेस पे रहता है और 15 से 60% सर्विसेज के ऊपर रहता है। तो इनके अकॉर्डिंग हर कंपनी का अलग अलग हो सकता है, हर प्रोडक्ट वाइज भी अलग हो सकता है। तो वो पैसा उसमें से हमें जो मिलता है AI को, जो भी पैसा AI को मिलता है उसका 55% हिस्सा, मतलब पार्टनरशिप हमारी होती है, हमें आता है और 45 उनके पास रह जाता है। तो इसी प्रकार से काम करता है, सेल हो जाती है तो कैशबैक सर्विस होती है, वो हमारे को क्या करती है, जिन्होंने सेल प्रमोट करी है, मतलब हमारे रोबोट ने करी है तो हमें, आपके ने करी तो आपको, इस प्रकार से वो पैसे को बांट देता जाकर था। नेक्स्ट हम देखते हैं ये कैसे एक्चुअली क्या काम कर रहा है। जब हमने मान लीजिए $100 का बजट दिया, तो ये गारंटेड $100 का बजट जैसे दिया तो गारंटेड है कि हमें 55% मिलना है। ये कंपनी ने तय कर रखा है कि जो कंपनी के पास पैसा आ रहा है उसकी 55% आपको मिलना है एज ए बिजनेस पार्टनर। तो 55% की हिस्सेदारी किसकी हो गई, हमारी हो गई, और 45 AI का, क्योंकि टेक्नोलॉजी किसकी है, AI की है। मार्केट बोर्ड किसने बनाया, AI ने बनाया, तो वो केवल 45% दे रहा है, हमको दे रहा है कितना, 55%। ये देखने वाली बात है दोस्तों, अभी तक मैंने देखा नहीं इस टाइप का सिस्टम, मुझे बड़ा सॉरी डिस्टर्ब थ्रू आउट है। तो 25-35% का कैशबैक यहां आपको आता है। तो 100% का माना कि 35% कैशबैक आया तो $135 होते हैं एट द एंड ऑफ मंथ में, एक महीने की बात कर रहा हूं यहां। तो 135 कैसे आ रहा है कि ये कंपनियां, जो कंपनियों के प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो इसकी ये एड बजट में $100 है, ये एडवर्टाइजमेंट बजट में जाता है। जो गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, पता नहीं क्या क्या ये प्लेटफॉर्म है, इन सब प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या करता हमारा रोबोट, सब उन कंपनियों के जहां से एल्गोरिदम जो भी मिलते हैं उनको, जो सर्च रिजल्ट मिलता है उनके अकॉर्डिंग हमारा रोबोट उनको वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देता है, वो लिंक दे देता है, वहां से वो सेल हो जाती है। तो बेसिकली जो हमारा जो $100 हमने लगाया एज ए बिजनेस पार्टनर किसके, उन कंपनियों ने प्रोडक्ट बना दिया, मार्केटिंग लिए हमने मार्केटिंग का फंड अपने रोबोट को दिया, हमने कंपनी को नहीं दिया है। हमारा जो रोबोट है, टेक्नोलॉजी है, वो रोबोट को, क्योंकि फेसबुक किसी का रिश्तेदार नहीं है, फेसबुक को चाहिए पैसा उसमें, अगर आपने किसी की एड पोस्ट करना है तो वो जो एड पोस्ट करने के लिए पैसा कौन दे रहा, हम लोग दे रहे हैं। तो हम जो पैसा दे रहे हैं उस पैसे का एट द एंड ऑफ मंथ 25-35% मिनिमम हमको मिलता ही है।
तो ये एड कंपनी की एडवर्टाइजमेंट होती है और वहां से सेल्स होता है। सेल्स के बाद में जो परसेंटेज 1-15% जैसे कि प्रोडक्ट वालों का होता है, और जो कि सर्विस होती है उसका 15-60% सर्विस का हमको मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा क्रम काम करता है। तो दूसरा क्या है कि हमें ट्रस्ट क्यों कर लेना चाहिए इसके ऊपर। ट्रस्ट की बात आती है कि कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं सर, कंपनी भाग गई तो कंपनी वहां चली गई तो आप गारंटी दे दो तो बहुत सारी। तो मैं उनसे यही कहना चाह रहा हूं कि गारंटी तो कोई किसी की नहीं ले सकता। मुझे अपनी गारंटी नहीं है अभी आज, ये चीजें ठीक नहीं बताना कि कभी भी किसी के साथ कुछ भी हादसा हो जाता है तो कोई गारंटी है किसी की क्या एक पल में क्या होने वाला है। लेकिन आज मैं स्वस्थ हूँ, आपके सामने अभी बात कर रहा हूँ, मेरा बैकग्राउंड अच्छा है, आपने मेरे नेशन को सर्व किया है 30 इयर्स एज जूनियर कमीशन ऑफिसर, ये मेरा बैकग्राउंड है। तो आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हैं, मेरी फेस वैल्यू को देख सकते हैं, मेरी सामाजिक वैल्यू को देख सकते हैं। कल को मैं रहूं ना रहूं, अगले एक पल में क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। तो यही चीज है दोस्त कि इस पर ट्रस्ट करने के जो फैक्टर है उनको आप एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो कंसल्टिंग सपोर्ट में आप देखो, एप्पल जैसा ब्रांड है, अमेजन जैसा ब्रांड है, ईबे जैसा ब्रांड है, ये इसके जो कंसल्टिंग और सपोर्ट के लिए है, इसलिए हमें इसके ऊपर ट्रस्ट कर लेना चाहिए। दूसरा ट्रेनिंग के अंदर है डेल, नेस्टेक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां हैं जिनको बिल्कुल जग जाहिर है, सब जानते हैं इनको, इसलिए भी हमें इसके यही के ऊपर ट्रस्ट कर लेना चाहिए। जो डाटा कंपेरिजन के स्कॉटिक बैंक है, ड्यूटेक बैंक है, ये सारी है, इनके ऊपर इतना ट्रस्टेड कंपनी है, इतने बड़े बड़े नाम है, इतने बड़े ब्रांड है जो एआई के साथ में है। यही नहीं, इनके साथ वो कंपनियां जिनका सामान बिक रहा है, जो एग्रीगेटर्स हैं, उन कंपनियों के बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, ये एप्पल भी उसमें से एक है। इवन जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है वो भी एआई के साथ जुड़ के ही सामान बेच रही है। अभी आपने देखा हो, हमारे कई साथियों ने, लीडर्स ने कुछ सामान मंगाया, देखा उसमें डाला भी था ग्रुप में, मैं देख रहा था, तो उन्होंने जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो भी इसके अंदर लगी हुई है, वो भी अपना सामान एआई के द्वारा। तो अभी आने वाला टाइम है, जितनी भी कंपनियां दिख रही है ना आपको, चाहे वो एमएलएम वाली, जो मैं जहां तक मेरा जो आइडियोलॉजी लग रही है, वो सारी की सारी एआई की टेक्नोलॉजी को अपनाने वाली ही है। तो वैसे ही आप अभी अभी से इस टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छा करेंगे, अदरवाइज तो पीछे तो सबको आना ही है। जब सड़क बन गई तो सड़क के ऊपर सारे चलने से पहले तो हम लोग धूल मिट्टी में चल रहे थे, अलग बात है, सड़क बन गई तो सब चलेंगे ना। लेकिन अगर पहले से आपको कोई सड़क बना हुआ रास्ता मिल रहा है तो वाई नॉट, वो बुद्धिमत्ता उसी में कि आपको आगे चलना चाहिए। तो इस प्रकार से ये ट्रस्ट का फैक्टर तो एक तो ये बहुत ज्यादा हमें करता है कि आपको इसको ट्रस्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि कोई भी कंपनी होती है आपसे पहले बोलती है पैसा लगाने के लिए, आप पैसा लगाओ, आप देखो ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर लो, यूज करो, है ना। अभी एक हेल्थ केयर का प्रोडक्ट एक भाई देख के गए मुझे हेल्थ केयर का प्रोडक्ट देखे गए, 1600-1700 रुपए का सिंगल प्रोडक्ट, बोला बहुत अच्छा है सर, एनर्जेटिक है, ये वो है। तो मुझे पहले पैसे देने पड़े, फिर वो प्रोडक्ट देखे गए, अभी हम उसको यूज करेंगे, फिर रिजल्ट कैसा होगा, अच्छा आगे यूज करने लायक है या नहीं है, वो तब डिसाइड होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरा फैक्टर ट्रस्ट करने का ये भी है कि आप टेस्ट ड्राइव लीजिए। जैसे कार खरीदने जाते हैं, तो जब कार खरीदने जाते हैं तो वहां कार की जो कंपनी होती है क्या कहती है आपको टेस्ट ड्राइव के लिए, आपको क्या आपसे बोलते हैं कि भाई आपका ड्राइविंग लाइसेंस दी दिखाइए। ड्राइविंग लाइसेंस आप दिखाते हैं, आपको चाबी दे देते हैं, साथ में टेक्नीशियन भी बैठा देते हैं साथ में आपके, और पेट्रोल भी डाल के देते हैं वो कि चला के लाइए 5-10 किलोमीटर, आपको अच्छा लगेगा तो आप खरीदेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं खरीदेंगे, दूसरा खरीदेंगे। तो वही चीज यहाँ पे है कि आपको जब आप इसमें आते हैं तो आपको $50 की गिफ्ट का सर्टिफिकेट दिया जाता है, मीन्स $50 करीबन 4000 रुपए आपको दिए जाते हैं इस सिस्टम को शुरू करने के लिए, इसकी टेस्ट ड्राइव लेने के। रोबोट वाकई में जो बताया जा रहा है 25-35% मिनिमम मिलता है कि नहीं मिलता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, $50 लेने के बाद जो लोग $50 खत्म होने तक का इंतजार करते रहते हैं, देखते हैं कि ये, मैं तो ये बोल रहा हूं कि जब आप जिसके माध्यम से आप कनेक्ट, जिन लोगों ने आपको लिंक सेंड करी है आज की मीटिंग की, उन लोगों ने तो आपको दिखाया होगा कि देखो ये चीज कैसे चल रहा है, इतना परसेंटेज आ रहा है, तो क्यों ना ट्रस्ट करके $50 आपको ये दिया जा रहा है, साथ में जो भी अमाउंट आप लगा के स्टार्ट करना चाहते हैं जिससे कि आपकी आपका मार्केटिंग का बजट डबल हो जाए, आप इकट्ठा ही शुरू करो,
ठीक है, इतना वेट करने की जरूरत नहीं है कि $50 खर्च होके खत्म होके देख लें, आपको 2 दिन में पता चल जाता है। एक दिन में रोबोट जैसे स्टार्ट होगा, एक दिन के अंदर ही कुछ ना कुछ लेकर के आता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको 4,000 रुपए दिए जा रहे हैं, और उन 4,000 रुपए से कोई फेक मनी नहीं है, ये रियल मनी है जो आपको दिया जाता है। और ये $50 से आपको 70, 70, 80, 85 डॉलर तक बन जाते हैं 50 से, तो परसेंटेज निकाल लो कितना परसेंटेज हो जाता है। इसी प्रकार से आपके ऊपर ये ट्रस्ट का बहुत बड़ा यहां भी लगता है। आपको अगर ठीक लग रहा है तो आप करेंगे, आपको पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है, कोई स्मार्ट चैन से नहीं आ रहा, कोई ROI सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, प्योर सेल्स है। सेल्स का नाम लेते हमारे दिमाग में हलचल हो जाती है। सेल्स वास्तव में बहुत पेचीदा काम है, ठीक है। तो ये सेल्स का काम अब पेचीदा नहीं रह गया, अब सेल्स तो आप रोबोट के ऊपर छोड़ दो। अब तो रात को सोने से पहले चैन नहीं पड़ता दिमाग में, देख लू कितना हुआ है। सुबह उठते ही 6 बजे वहां से घूम घाम के आने के बाद 6 बजे पहले मोबाइल पकड़ते हैं, देखते कितना हो गया, कितना हुआ आज, कितना बना दिया। ये सब चीजें चलती रहती है, आपके साथ में भी होगा जब आप कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको टेस्ट ड्राइव के लिए $50 भी दिए जाते हैं। लीगल इंफॉर्मेशन के बारे में बताऊं, बैशफोर्ड आइलैंड्स लिमिटेड कंपनी है जो कि एस्टेब्लिशमेंट हुई 2017 में। कंपनी की जो एक्टिविटी है, क्या क्या करती है कंपनी, आपको साइंटिफिक स्टडीज जो करती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर इनका पूरा रिसर्च वगैरह सब रहता है, और इंटरनेट मार्केटिंग, और मार्केटिंग की फील्ड में आया क्योंकि अब इन्होंने जब मार्केट बोर्ड तैयार किया है तो मार्केट की पूरी एनालाइज की, पूरी स्टडी करी मार्केट की, उसके बाद उन्होंने मार्केट बोर्ड बनाया। क्योंकि मार्केट की हर पहलू को जान के, समझ के, परख के क्या ट्रेंड चल रहा है, उनको उनके सारे एल्गोरिदम को डेवलप करना, क्योंकि जब तक उनके अंदर कीवर्ड्स नहीं मिलेंगे, उनको कीवर्ड्स तभी जानकारी होगी जब उनको पूरी मार्केट की डेप्थ नॉलेज होगी, एक रीजन की नहीं, एक देश की नहीं, पूरे वर्ल्ड की और पूरे रीजन की। इंडिया के अंदर देखो जाके साउथ में कुछ और पहनावा पहनाया जाता है, और असम में जाएंगे तो असम का कुछ और है, क्योंकि मैं तो पूरे इंडिया ही नहीं बाहर भी रहा हूं, तो इंडिया का तो मुझे कल्चर जगह जगह का पता है, कैसे लेडीज क्या पहनते हैं, जेंट्स का क्या है, जेंट्स का भी अलग अलग है गुजरात में, और वो भी कास्टवाइज भी अलग अलग है कहीं कहीं। तो ये सारे एल्गोरिदम के अंदर पूरे कीवर्ड्स डाले जाते हैं कि वो आदमी अपने हिसाब से या महिला जो भी सर्च कर रही है उनको रिजल्ट वहां का वहां तुरंत का तुरंत AI बना देती है। यही है टारगेटेड ट्रैफिक की, जिसको जो रिक्वायरमेंट है उसको वही चीज उसी वक्त दिखाई जाए। तो दोस्तों, कंपनी का ये साइंटिफिक स्टडी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट मार्केटिंग और ये डोमेन का रजिस्ट्रेशन है, आप देख सकते हैं, और भी इसके सर्टिफिकेशन है। तो ये कंपनी ऐसे काम करती है। स्टार्ट कैसे करना है, जिसने भी आपको यहां भेजा है, मीटिंग का लिंक आपको भेजा है कि मीटिंग अटेंड करो, अटेंड करो, अटेंड करो, और आपने उसके ऊपर मेहरबानी करी मेरे दोस्त, तो आपने मेहरबानी नहीं करी उसके ऊपर, एक्चुअली उन्होंने आपके ऊपर करी, मैं तो यूं कहूंगा कि इसको आपने ईमेल भेज दिया है, आप नहीं भेजा तो अभी उनसे जैसे मीटिंग खत्म होती है कॉल करें, डिले तो करो ही मत बिल्कुल, ईमेल भेजो अपनी जो एक्टिवेटेड हो, ऐसा मत करना दूसरे की ईमेल भेज दो, अपना नाम भेज दो, ऐसा भी हुआ है। अब वो मेल लग गए, पैसे भी डाल दिए, बाद में पता चले सर मेल तो मेरी थी नहीं, ये तो 36 था, 26 भेज लगा दिया मैंने, किसने कर दिया, तो बोले मेरे से गलती होगी। तो ऐसा ना करें, आपका जो खुद का ईमेल है, अपना खुद का ईमेल है, एक बार जांच के सही से उसके बाद भेजें और पूरा नाम भेजें, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका रोबोट बन जाएगा, और उसके बाद आपको $50 का गिफ्ट भी उनके द्वारा आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी झंझट के, बिना किसी टेंशन के, कोई टेक्निकल नहीं है यहाँ पे कोई चीज टेक्निकल जैसी नहीं है, हर इंसान कर सकता है, मेरे जैसा सादा सिंपल आदमी कर सकता है, आप भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसको देखो, देन आपने पैसा जितना भी डालना आप इसमें डालें, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है इंफॉर्मेशन डालने के लिए, इसमें आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जैसे आप रजिस्टर करते हैं नाम भेजते हैं, वैलिड ईमेल आईडी भेजते हैं, दो ही चीज चाहिए होती है इसमें, कोई आपको तीसरा चीज की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। जैसे ये दो चीजें आपने भेजी, अपना पूरा नाम, ठीक है, और आपका वैलिड ईमेल आईडी भेजेंगे तो आपका यहाँ पे साइन इन किया जाता है, साइन अप कराया जाएगा आपका, और यहाँ पे 4 तरह के ऑप्शन आते हैं उसमें, जिसमें 3 पे क्रॉस लगा हुआ है, ब्रेन नीरो वाला नीले कलर का आता है निशान, उससे ही आपने जाना है। तो AI.marketing और INB.network, ये दोनों जगह आपकी आईडी लगती है। वैक्सफोर्ड एलियंस लिमिटेड का
ये दो डोमेन है, एक AI डॉट मार्केटिंग है और दूसरा INV डॉट नेटवर्क है। मतलब ये कंफ्यूज ना हो, वैक्सफोर्ड एलियंस लिमिटेड एक कंपनी है जो कि डाटा साइंटिस्ट वगैरह जो स्टडी करती है, जो पिछले अभी स्लाइड पे हम देख रहे थे, उसी के ये दो क्या है, दो डोमेन है। जैसे मेरा नाम उपेंद्र सिंह भदौरिया, तो मेरी जो तीन चार ईमेल आईडी है, तो वो चार ईमेल आईडी मेरे चार डोमेन हो गए, मतलब चार नाम से मैं और जाना जा रहा हूँ। तो वही चीज है यहाँ पे, AI डॉट मार्केटिंग डोमेन है, उन्होंने रजिस्टर किया क्योंकि मार्केटिंग के लिए स्पेशल रजिस्टर किया, इसलिए उन्होंने नाम AI डॉट मार्केट स्पेशलाइज नाम लिया और उन्होंने अपना उसी के हिसाब से कर लिया। दूसरा क्या है, INV डॉट नेटवर्क, क्योंकि जब आप कनेक्ट होंगे तो भाई किसी न किसी के माध्यम से तो होंगे ना, तो जब किसी के माध्यम से होंगे तो एक नेटवर्क बन गया अपने आप ही, अपने आप कनेक्ट हो रहे तो नेटवर्क ही बन गया वो। तो इसी वजह से आपने AI में आ गए, तो AI में क्या काम है, यहाँ पे 24/7 रोबोट आपके लिए काम करता है, डेली कैशबैक पेमेंट देता है और आपको सिंगल लेवल परफॉर्मेंस प्रोग्राम भी, रेफरल प्रोग्राम भी है। मतलब सिंगल लेवल रेफरल प्रोग्राम है कि आपने किसी को रेफर कर दिया तो आपको जो आपने अपना $50 का गिफ्ट कोड जिसको भी दिया रेफरल में, वो $50 जिसको गिफ्ट कोड देंगे वहां से भी आपको 5% का इनकम आता है, इसलिए बोलते हैं रेफरल प्रोग्राम है। और यहाँ INV और नो, इसमें नो नेटवर्क मार्केटिंग, कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, मार्केट बोट आपके लिए काम रात दिन करता रहता है, आपके पास कुछ भी करने की इसमें जरूरत नहीं है। हाँ, जो लोग रेफर तो करेंगे, किसी को बताएंगे कैसे करेंगे, तो आप जैसे लिंक रेफरल लिंक भेजेंगे तो आपको रेफरल लिंक के माध्यम से जो कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग से भी आपको पैसा आता है। मतलब आपको किसी को कनेक्ट करेंगे, रेफरल लिंक देंगे तो आपको यहाँ बोनस भी मिलता है और गैप बेनिफिट भी आता है आपको। बोनस जो होता है वो इनडायरेक्ट आपकी सेल्स के ऊपर आता है, और जो PRTN है, जो कि टोकन है, जो कि $1 के बराबर होता है, वो आपकी टीम बनती रहती है कि ऑटोमेटिकली जो आपके जॉइनिंग सिंगल उससे जॉइनिंग होते रहेंगे, रेफरल से जॉइन होते रहेंगे, वो आपकी टीम का हिस्सा कहलाएंगे। तो उनके माध्यम से भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी बिजनेस आता है उससे भी आपको PRTN के रूप में आपको बहुत सारा डॉलर्स यहां से मिलता है। तो आप ये दोनों जगह आपकी आईडी रजिस्टर कर लेते हैं और दोनों जगह से यहाँ पे आपको इनकम आती है। ये INV डॉट नेटवर्क में जो हमारे नेटवर्क भाई है उनसे मेरी अनुरोध जरूर है कि INV डॉट नेटवर्क का जो प्रोग्राम है, दिन में कई बार आज अनिल सर का सेशन ले रहे थे, अनिल सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया था INV डॉट नेटवर्क में कैसे यहाँ से कब पैसा आता है, बोनस सेल्स कैसे निकलती है, गैप बेनिफिट कैसे मिलता है, INV कैसे, वो सारा डिटेल में बहुत कुछ बताया। तो ये आज का पार्ट AI डॉट मार्केटिंग स्पेशल है और INV में आईडी ऑटोमेटिकली दोनों में एक ही जगह से एक ही नाम से आईडी लगती है, ठीक है, और यहाँ से भी इनकम के बहुत बड़े सोर्सेस हैं। INV डॉट मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग है, रेफरल प्रोग्राम है ये, और इसमें आप टोटल बिजनेस के टर्नओवर का गैप बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए जो भी आपके नीचे बंदे जुड़ते जा रहे हैं, कोई $50 से, कोई $100 से, कोई $500 से, जो भी जैसे भी आता जा रहा है, उनसे आपको गैप, आपका प्रमोशन होता रहता है और आपको दोनों के बीच के जो गैप है, गैप का कमीशन आपको मिलता रहता है। और जो इनडायरेक्ट लोग हैं, आपकी जो डायरेक्ट आईडी से रेफर होने के बाद जो उनके नीचे से सेकंड लेवल से शुरू हो रहे हैं, उनसे आपको NBO के रूप में आता है बिजनेस टर्नओवर में। NBO आपके, ये भी एक टोकन है, ठीक है, INR एक्सचेंज के ऊपर ये इसकी ट्रेड होती है, और ये टोकन भी आपका वन आपको बोनस के रूप में दिया जाता है, एक NBO इज इक्वल टू $1, सेम PRTN भी, एक PRTN है। तो ये INV से भी आपको दो तरह की इनकम यहाँ पे आती है। यहाँ आप देखेंगे गैप बेनिफिट PRTN का आपने दिया है 10%, कैसे दिया है, क्योंकि PRTN 10% तक कैसे मिलता है, क्योंकि आप देखेंगे जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप पार्टनर होते हैं, 5% का लेवल रहता है, और जब आप 50, 100, 500 से शुरू करते हैं तो आप एजेंट की कैटेगरी में आते हैं, आपको 5% लेवल में रहते हैं। जब आप लीडिंग एजेंट बनते हैं, पहला जो रहता है 4,096 का जब बिजनेस आता है, तब जाकर के आपको 6% का लेवल आ जाता है। तो आपके नीचे जो 1% पर ज्वाइन हुआ है, तो आपको कितना मिलता है, 1% उनके बीच के गैप का कमीशन आता है, 1%। तो डायरेक्ट है जो आपका ABC, ये डायरेक्ट हो गए आपके, उनके नीचे जो लोग आ रहे हैं वो इनडायरेक्ट है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों के जो बिजनेस से टोटल जो आता है वो PRTN के रूप में आपको मिलता है। ये विषय आज का नहीं है, ये दिन में बहुत सारा चलता रहता है, तो इसको हम और डिटेल में जानेंगे किसी दिन या फिर नेक्स्ट उसी मीटिंग में। तो आज का मीटिंग, आज का ये सेशन है, मैं यहीं पे क्लोज करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, खांसी बार बार आ रही है, आप लोगों के सहयोग से इतना मैं कर पाया।
थैंक यू सो मच। और आज के होस्ट संजय शर्मा सर, प्लीज टेक ओवर द रेन। सुपर, थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा और उम्दा आपने आज प्रेजेंटेशन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से। और साथियों, आपने पूरा आज एआई को और एआई मार्केटिंग को और मार्केट बूट से किस तरह सेल होता है, सब चीजों को समझा और किस तरह आप अपने ड्रीम यहाँ पे पूरे कर सकते हैं। तो साथियों, जल्दी से जो जिन लोगों ने आपको यहाँ पे बुलाया है, उन लोगों को आप अपना मेल आईडी और अपना नाम भेज के अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और आगे के लिए जो आपको इसको हमारा जो टेक्निकल सेशन रहता है 3 बजे, तो अधिक जानकारी जो आपको टेक्निकल के रूप में जो सीखनी है, उसके लिए 3 बजे आप डेली इनवाइट है, वहां पे आप अटेंड करें उसको। और रात को हमारा जो प्रोग्राम जो 8:25 पे ऑन होता है, तो साथियों डेली ये जूम लिंक सेम लिंक पे हमारा प्रोग्राम रहता है। तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस बिजनेस में अगर अपना करियर देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ को अपनी लाइफ को एक तरह से अपने ड्रीम को यहाँ पे पूरा करना चाहते हैं, जो आपने देखे हैं वो यहाँ पे पूरे होंगे ऐसा मैं मानते हुए। और मैं सभी को अगेन धन्यवाद बोलूंगा कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल के दिया। और मैं धन्यवाद बोलूंगा उपेंद्र सर को कि इन्होंने भी अपना अमूल्य समय निकाल करके आज हम लोगों को ये पूरा प्रेजेंटेशन बहुत ही सटीक तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया। आप लोगों को समझ में आया होगा, तो थैंक यू सो मच सभी साथियों को। और मिलते हैं कल फिर हम दोबारा इसी सेम जूम लिंक पे 3 बजे और 8:30। तो गुड नाइट, सब्बा खैर, शुभ रात्रि। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, जय हिंद सर, जय हिंद।